अस्सलाम वालेकुम महबूब अली मुगल, मैं आज दोबारा स्टार्ट करेंगे अपना नया लेक्चर एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस, अ प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। यानी किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में या किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जैसे ही हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने से क्या होता है, जैसे हमने हीट सप्लाई की तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करके हमने हीट सप्लाई किया है तो सिस्टम की जो अपनी इंटरनल एनर्जी है जिसमें हमने हीट ऐड की है वो इंक्रीज हो जाती है और बिकॉज ऑफ दैट रीजन प्रेशर एक डेवलप हो जाता है गैस के अंदर, तो प्रेशर एग्जर्ट होता है गैस में और एट द सेम टाइम हमने गैस को अलाउ किया टू एक्सपेंड बाय मूविंग पिस्टन, तो जो प्रेशर डेवलप हुआ है वो कांस्टेंट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो उसका मकसद यह है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ व्हेन वी सप्लाई हीट, तो जनरली वर्क डन हुआ बाय द सिस्टम बट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस हिसाब से लेट कंसीडर करता हूं एक सिस्टम इन विच गैस इज इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर और इनिशियल स्टेट पर इसका जो वॉल्यूम है, इनिशियल स्टेट पर इसका जो वॉल्यूम है वो है V1 और टेम्परेचर जो है वो है T1 एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन जैसे ही हमने हीट ऐड की इनटू द सिस्टम तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज हुआ है, तो पिस्टन ने अपनी पोजीशन चेंज की और वर्क डन हुआ है, तो फाइनल स्टेट पे वॉल्यूम आपका हुआ V2 और टेम्परेचर हुआ T2। अब जैसे हमने हीट्स ऐड की तो वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम लेकिन तब हुआ वर्क डन बाय द सिस्टम जैसे हमने हीट सप्लाई की। तो इसका मकसद यह है कि वर्क डन जो है वो हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां देखो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल आप क्या होगी 0 degree। फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमें पता है प्रेशर इनटू एरिया बराबर होता है फोर्स के, तो उस हिसाब से वर्क आपका हो गया पी इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स और कॉस 0/1 के बराबर है और एरिया इनटू लेंथ जो कि चेंज किए पिस्टन ने सिलेंडर की जो कि बराबर हो जाता है चेंज इन वॉल्यूम के। तो इसका मकसद यह है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कि हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जो कि बराबर हो जाएगा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V2 - V1। इसका मकसद है वॉल्यूम चेंज होगा तो हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है बाय द सिस्टम व्हेन हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस क्योंकि इसमें प्रेशर आपका है कांस्टेंट। जब ग्राफिकली हम इसको डिस्कस करेंगे तो ग्राफिकली इसका जो ग्राफ है
और ये ग्राफ में बना रहा हूँ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका V1, T1, V2, T2 ये रिप्रेजेंट करता है ग्राफ आइसोबैरिक प्रोसेस का। फिर इसका सेकेंड एप्लीकेशन, इसकी सेकेंड एप्लीकेशन जो है आइसोपोरिक सिस्टम में हमें क्या करना है, हमें इस फिक्स्टन को टाइटली फिक्स करना है और गैस को अलाउ नहीं करना है टू एक्सपेंड, और एट द सेम टाइम हमें हीट सप्लाई भी करनी है इनटू द सिस्टम। तो होगा क्या, जैसे हम हीट सप्लाई करेंगे इनटू द सिस्टम, तो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड, लेकिन पिस्टन टाइटली फिक्स्ड होने की वजह से गैस एक्सपेंड नहीं हो सकेगी। तो होगा क्या, वॉल्यूम आपका चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम जब आपका कांस्टेंट होगा तो एट द सेम टाइम हम ये कह सकते हैं कि पिस्टन आपका मूव नहीं हुआ है, वॉल्यूम आपका चेंज नहीं हुआ है, तो देयर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम। लेकिन एक चीज हमने देखी है कि जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उसका मकसद है वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको हम आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी कह सकते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कह सकते हैं इसको। तो इसी में इनिशियल स्टेट पर हमने क्या किया है, भाई वॉल्यूम जो है अब इसका कांस्टेंट है, तो इसका मकसद है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या इंक्रीज हुआ है, प्रेशर। एट द सेम टाइम फाइनल स्टेट पर हमने उसको लेबलिंग कर दिए P2। तो याद रहे वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम आपका हो गया जीरो, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन वर्क डन भी आपका हो गया जीरो, देयर इज नो वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लिखेंगे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट जो अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की है इनटू द सिस्टम वो फुली कन्वर्ट हो गई है इनटू इट्स इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज हुई है when we supply heat into the system because there is no work done। ये आपकी represent कर रही है isochoric की expression, graphically हम इसको लिखेंगे तो इसमें volume आपका constant है लेकिन प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपका प्रेशर आपका इंक्रीज हुआ है, तो ये आपका प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। एट द सेम टाइम अब हम तीसरे प्रोसेस पर चले जाते हैं। अब तीसरे प्रोसेस में हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। द प्रोसेस टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस अब हमें यहां थोड़ा एक एक्स्ट्रा चीज हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। अब हमने सिलेंडर को रखना है ऑन हीट रिजर्वायर, सो लेट सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन हीट रिजर्वायर फ्रॉम विच हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब मैं आप लोगों को एक सिंपल
तरीके से बताता हूँ भाई। अगर मिसाल तौर इस सिस्टम में हमने अब पिस्टन को अलाउ किया है टू मूव और गैस को हम चाहते हैं कि वो एक्सपेंड, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई जैसे ही हम हीट सप्लाई करेंगे, तो अभी मैं हीट सप्लाई करने की बात नहीं कर रहा, अभी इनिशियल स्टेट में मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं इनिशियल स्टेट में मैं हीट सप्लाई करना नहीं चाह रहा अभी, लेकिन मैं पिस्टन को चाहता हूँ कि टू मूव अपवर्ड और गैस को एक्सपेंड करवाना चाहता हूँ। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि भाई जैसे ही गैस एक्सपेंड होगी तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है और प्रेशर आपका रिलीज होता है, लेकिन वॉल्यूम आपका हो गया इंक्रीज, वॉल्यूम आपका हो गया इंक्रीज, अब वॉल्यूम आपका हो गया इंक्रीज, प्रेशर हो गया डिक्रीज और टेम्परेचर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने से डिक्रीज हो जाता, लेकिन हमने एट द सेम टाइम हीट रिजर्वायर से हीट सप्लाई करके वो जो टेम्परेचर आपका डिक्रीज हुआ था उसको बना दिया कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर जो आपका पहले था उतना ही आ गया। तो आपका रिजल्ट क्या हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम टेम्परेचर आपका रहा कांस्टेंट। टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो जाता अगर हम हीट सप्लाई नहीं देते फ्रॉम हीट रिजर्वायर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी गैस को हमने एक्सपेंड किया हीट सप्लाई करके फ्रॉम हीट रिजर्वायर, इसमें आपका जो है प्रेशर चेंज हुआ है, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हुआ है, जिस पर अप्लाई हम करते हैं बॉयलर्स का। तो इनिशियल स्टेट पर आपका वॉल्यूम जो है वो है V1 और प्रेशर जो है वो है P1। वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ है, लेकिन विद डिक्रीज ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसका मकसद सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा यू जो है वो हो गया आपका जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू की जगह पर हम लगा देंगे जीरो प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। इस इक्वेशन के हिसाब से देखा जाए तो जितनी आपने अमाउंट ऑफ हीट दिए फ्रॉम हीट रिजर्वायर इनटू द सिस्टम वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई है इनटू द वर्क डन, कंप्लीटली हीट आपकी कन्वर्ट हो गई है वर्क डन बाय द सिस्टम, और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं हुई। तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसमें प्रेशर के डिक्रीज होने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका कर्व लाइन जिसको हम कहते हैं हाइपरबोला लाइन, ये शो कर रहा है आपका वेरिएबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ऑलरेडी पहले भी बॉयलर्स लॉ डिस्कस किया, तो बॉयलर्स लॉ अप्लाई होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पर और चार्ल्स लॉ आपका अप्लाई होता है आइसोबैरिक प्रोसेस पर। अब हम आ जाते हैं हमारा लास्ट जो है प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में हम किसी भी सूरत में हीट सप्लाई नहीं करेंगे, यानी समझ जाओ कि ये सिलेंडर जो है वो हमने ऑन इंसुलेटर रखा है और इस सिलेंडर्स की वॉल्स जो है वो भी इंसुलेटेड है, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं, तो कहीं से भी हीट इंटर नहीं हो सकती और अंदर की हीट बाहर इजेक्ट नहीं हो सकती।
तो अपोसिस इन विच हीट नाइदर इंटर इनटू द सिस्टम नॉर लीव बाय द सिस्टम कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस. अब यहां पर थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था कि अगर हम गैस को अलाउ करेंगे टू एक्सपेंड बाय मूविंग पिस्टन तो होगा क्या, वॉल्यूम तो इंक्रीज हुआ, प्रेशर भी डिक्रीज हुआ, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी और उसके साथ साथ टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा. लेकिन अब हमने हीट सप्लाई नहीं दी तो वो टेम्परेचर अब कांस्टेंट नहीं रहेगा. ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स रहेंगे, वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों वेरिएबल्स रहेंगे, इनमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा. तीनों के तीनों वेरिएबल्स रहेंगे, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं रहेगा. तो इसमें हमने हीट सप्लाई नहीं दी तो इसका मकसद यह है कि डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू जीरो, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू. इसका मकसद यह है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में यह है कि हमने वर्क डन करवाया ऑन द सिस्टम, इसका मकसद है गैस को हमने कंप्रेस किया. अगर हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई तो वर्क डन ऑन द सिस्टम की वजह से हुई है. सेकंड एक्सप्रेशन हमें यह शो करती है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मकसद है गैस आपका एक्सपेंड हमने करवाई है तो गैस जैसे ही एक्सपेंड होगी तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और उससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. थैंक यू.